नमस्कार, मैं हूं पायल गुड़िया। जेंटलमैन कहे जाने वाले क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी इमरान खान आजकल पाकिस्तानी आवाम की कैप्टेंसी कर रहे हैं। अपनी कप्तानी में पाकिस्तानी टीम को 1992 का वर्ल्ड कप जिताने वाले इमरान खान लगता है समय के साथ साथ कैप्टेंसी करना भी भूल गए हैं, इसलिए वे आजकल पाकिस्तानी आर्मी और आतंकवादियों के दबाव में खुद एक कठपुतली बनकर रह गए हैं। पाक आर्मी के हाथों खेलने वाले इमरान खान को टीम इंडिया के चीते सी रफ्तार वाले पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने जमकर लताड़ लगाई है। कैफ ने इमरान खान के यूएन में दिए गए उनके भाषण की आलोचना करते हुए पाकिस्तान को आतंकियों की सुरक्षित पनाहगाह बताया है। मोहम्मद कैफ ने इमरान खान की इस स्पीच से संबंधित एक आर्टिकल को अपने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए इमरान खान को खरी खोटी सुनाई है। आर्टिकल में इमरान खान कहते हैं कि धर्म का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। उनके इसी बयान पर कैफ ने ट्वीट कर फटकार लगाते हुए कहा कि हाँ, लेकिन आपके देश पाकिस्तान का आतंकवाद से बहुत बहुत लेना देना है, जो आतंकियों के पनपने के लिए सुरक्षित जगह है। आगे उन्होंने लिखा कि संयुक्त राष्ट्र में आपका भाषण कितना दुर्भाग्यपूर्ण था, एक महान क्रिकेटर से पाकिस्तानी सेना व आतंकियों की कठपुतली बन गए। मोहम्मद कैफ के इस ट्वीट को 27,000 से भी ज्यादा लोगों ने पसंद किया तो वहीं 6,500 से भी ज्यादा लोगों ने कमेंट किया। कुछ पाकिस्तानी ट्विटर यूजर तो चिढ़ गए। पाकिस्तानी ट्विटर यूजर सनी अली ने लिखा, कश्मीर के लिए भी एक ट्वीट कर दो। पाकिस्तानी ट्विटर यूजर मोहम्मद हाजरान ने लिखा कि मुझे पता है आप RSS और BJP से डर रहे हैं, इसलिए ये बयान दिया है। हम यहाँ पाकिस्तान में आपकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं और आपकी हालत पूरी तरह समझते हैं। एक और पाकिस्तानी ट्विटर यूजर नौमान ने लिखा कि शर्म है तुम पर कैफ भाई, अगर आप कश्मीरियों की दुर्दशा के लिए बोलने की हिम्मत नहीं रखते हैं तो आप निश्चित रूप से हिंदुत्व के अतिवादियों से प्रभावित हैं। मोहम्मद कैफ ने जैसे ही पाकिस्तानी PM इमरान खान को लताड़ा तो चिड़े पाकिस्तानी ट्विटर यूजर कैफ को ट्रोल करने लगे। मोहम्मद कैफ से पहले टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन सौरभ गांगुली ने इमरान खान को लताड़ लगाई थी। गांगुली ने इमरान खान के संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए गए भाषण को बकवास बताते हुए कहा था कि जिस इमरान ने भाषण दिया है ये वो क्रिकेटर इमरान नहीं है जिन्हें पूरा विश्व जानता है। आपको बता दें कि 27 सितंबर को यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में PM मोदी ने जहां दुनिया को बुद्ध का संदेश दिया था तो वहीं इमरान खान करीब एक घंटे के भाषण में सिर्फ खून खराबे, युद्ध और परमाणु हमले की ही बात करते रहे। आप भी देखिए पाकिस्तानी PM इमरान खान का वो झूठ और कश्मीर पर प्रोपेगेंडा से भरा भाषण।